हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस इज अभिमन्यु आईएएस, अ प्लेटफॉर्म विच हैज मोर देन 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड हैज गिवन आउट मोर देन 2200 पॉजिटिव रिजल्ट्स सिंस 1999. एवरी सीरियस एस्पायरेंट नोज कि अगर आपके करंट अफेयर सॉर्टेड हैं, दैट मीन्स यू आर प्रैक्टिकली एंश्योरिंग योर सिलेक्शन इन एनी सिविल सर्विस फॉर दैट मैटर. नाउ दिस वीडियो इज पार्ट वन ऑफ द सीरीज जहां पे आपको पिछले वीक के करंट अफेयर्स का एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा. पार्ट वन है ये. कल एक और वीडियो रिलीज होगी जिसमें प्रीवियस वीक के हॉट टॉपिक्स जो हैं उसका एक लेक्चर जो है आपके सामने यहां पे रिलीज किया जाएगा. सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट उसमें जो है मिस ना करें. लिंक के अंदर जब जाएंगे वहां पे आपको उस डॉक्यूमेंट का लिंक मिल जाएगा, साथ ही कंप्लीट कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा जिससे कि आपके करंट अफेयर्स पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएंगे. वॉच टिल एंड ऑफ द वीडियो. लास्ट में जाते जाते मैं आपको उस कोर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा. फॉर नाउ टेक द प्रिंटआउट्स, सिट विद द पेन एंड द अटेंटिव माइंड्स, लेट्स बिगिन. बच्चे लास्ट डॉक्यूमेंट में ना एक ये चीज़ रह गई थी, अगर आपको याद हो. ये हमने शायद पहले की हुई है, मुझे बताइए. स्पेक्ट्रम बनाया हुआ है ना सबने, इसके ऊपर सवाल आएगा. आरती तुम कहाँ गायब थे? अब तो नवरात्रि भी नहीं चल रही, आरती का कोई काम नहीं है बाहर, आरती यही होनी चाहिए. देर इज अ टॉपिक आज, आरती का नाम इसलिए आया था. आइए बच्चे, सबसे पहले एक ऐसे टॉपिक शुरू करते हैं जिसमें मुझे लगता है कि आपने ना कभी भी वर्ड को गौर से सोचा ही नहीं होगा कि इसका मतलब क्या है. और ये सुना सबने होगा, है ना, नवरात्रि की बात आई है तो ये शुरू करते हैं. टॉपिक नंबर टू निकाल लीजिए बच्चे. न्यूज़ तो इसमें बहुत सिंपल सी है कि इसको रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ ICH इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, उसके अंदर गरबा जो है एज अ डांस फॉर्म वो डाल दिया है. राइट, हमने लास्ट ईयर एक टॉपिक किया था अगर आपको याद हो कि इंडिया जो है वो इसकी इंटर गवर्नमेंटल कमेटी में सेलेक्ट हुआ था, जो कि 24 मेंबर की कमेटी बनती है जो कि जनरल बॉडी से बनाते हैं, जो इन ICH में चीज़ें डालती है एक्चुअली वोटिंग करने के बाद. राइट, तो गरबा रिसेंटली उसके अंदर आया. आप पंजाब से कितने लोग बिलोंग करते हैं? काफ़ी सारे. तो यहाँ पे ना एक फेस्टिवल आता है, इसको वो गड़बड़े बोला जाता है ना, क्या होता है वो? हाँ, वो आप मतलब द लिटरल वर्ड इज दैट पॉट जिसके अंदर होल्स होते हैं, जिसके अंदर दिया रखा जाता है. दिस इज द एग्जैक्ट सेम थिंग. गरबे का लिटरल मतलब वही है. सो दिस इज द डांस फॉर्म जिसमें सेंटर में वो दिया रखा जाता है विद दैट पॉट, और उसके अराउंड डांस किया जाता है इन दी एंटी क्लॉकवाइज. मजा आया सुन के. तो ऐसी मेरे को फीलिंग आई थी कि शायद हो सकता है आपको ये ना पता हो कि गरबा वर्ड लिटरल मतलब गरबे का वही है. द एग्जैक्ट सेम थिंग जो पंजाब में वो गड़बड़ा होता है ना, हमारे यहाँ आते ही पंजाब में गड़बड़ हो जाती है थोड़ी सी, तो हेंस दैट नेम. आइए बच्चे गरबा देख लेते हैं क्या चीज़ है. फर्स्ट ऑफ ऑल गुजरात में होता है, मतलब इन्होंने बहुत फेमस कर रखा है, ये तो आपको पता ही होगा. बाकी डांसेस देखने पड़ते हैं, है ना. आप कथक में कंफ्यूज हो सकते हो कि ये केरला में है या यूपी में है, राइट. गरबे में कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि कहाँ पे है, थैंक्स टू तारक मेहता. गुजरात का कल्चर बहुत इंडिया में पेनिट्रेट हो चुका है. रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है हाउएवर, वो जस्ट लाइक एनी अदर मूवी. आइए बच्चे डॉक्यूमेंट देखिए. डेडिक फर्स्ट पॉइंट देखेंगे आप. पहले तो किस लिस्ट में आया, ये सिंपल है, ये तो आपको पता ही है. इसके अलावा वर्शिप ऑफ फेमिनिन एनर्जी और शक्ति, राइट. ये आपके वो पॉइंटर्स बनेंगे कि वो पूछ सकते हैं विच वन ऑफ द, आपके पास डॉक्यूमेंट है वहीं रख लीजिए, कोई आएगा उसको पढ़ा देना. पेज नंबर वन पे कर रहे हैं, सेकेंड टॉपिक हम पहले नंबर पे कर रहे हैं, और पहला टॉपिक हम सेकंड नंबर पे करेंगे, ठीक है. हाँ, कंफ्यूज नहीं होना. फेमिनिन एनर्जी और शक्ति, ये आपको पॉइंट्स में आ सकता है ये वाला ना, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू या अनट्रू अबाउट गरबा,
द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ गुजरात, इस टाइप का सवाल इसके ऊपर बनेगा। तो इसलिए ये पॉइंट्स कंपाइल किए हैं कि मैक्सिमम जो गरबे से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं वो इनमें से आएंगे आपके पास में। हिंदू फेस्टिवल ऑफ नवरात्रि, ठीक है, इट्स अ 9-day फेस्टिवल। फॉस्टर्स इक्वालिटी बाय ट्रांसेंडिंग सोशियो इकोनॉमिक जेंडर एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर्स। आइए बच्चे, सेकेंड पेज पे आ जाइए बच्चे, अभी ना सेकेंड टॉपिक कर रहे हैं हम। और जो मैं आपको बोल रहा था, गरबा एक्चुअली रेफर्स टू गर्भदीप, राइट, तो वही मतलब है इसका, अर्दन पॉट विद होल्स। क्यों हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है वैसे इसको, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को क्यों प्रिजर्व करते हैं हम, क्या पढ़ी है हमें, व्हाई आर वी प्रिजर्विंग आर इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। हाँ, एक पॉइंट तो ये है, इसी ट्राइंग टू से कि वो डिक्लाइन पे है इसलिए प्रिजर्व कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ डिक्लाइन पे है तो उसका कोई कारण होगा डिक्लाइन होने का, आप समझ रहे हो, आज आप वो कपड़े नहीं पहनते जो आज से 100 साल पहले पहने जाते थे, वो डिक्लाइन हुआ कोई कारण है, बेटर टेक्नोलॉजी के कपड़े आ गए, राइट। तो क्यों हम इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्यों हम बचाते हैं अपना, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हो रहा है क्योंकि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का कोई कारण होगा होने का, लुक एट योर लाइफस्टाइल्स, अब क्या छोड़ोगे वेस्टर्न का। ग्लोबलाइजेशन के जमाने में वेस्टर्न कल्चर को गाली देना इज नॉट एन आइडियल थिंग, और क्या कारण हो सकता है। वही मेरा सवाल है, क्यों, व्हाई डू यू वांट टू स्टे कनेक्टेड टू योर रूट्स, और ये क्या तरीका हुआ। सर, हमारा जो इंडिया का कल्चर है, इंडिया का कल्चर क्या है, पंजाब और बंगाल का कल्चर तो बहुत अलग है यार, दोनों इंडिया में ही आते हैं। तो यूपी और बंगाल को कंपेयर कर लो, यूपी वाले तो नहीं प्राउड, बिहार वाले तो नहीं प्राउड, आई कैन से दैट कि दिखता है, तभी उनके झंडे लाल हैं, हिंदुइज्म को उठाते हैं वो, कल्चर नहीं उठाते हैं। समझ रहे मेरा सवाल कहाँ हिट हो रहा है, रोड ब्लॉक हिट हुआ थोड़ा सा, वहीं पे लेके जाना चाह रहा था। मतलब समझ रहे हो कि ये इन्होंने, यूनेस्को ने एक पूरी कन्वेंशन है यूनेस्को की, है ना, इट इज़ कॉल्ड यूनेस्को कन्वेंट, ये लिख लो साइड पे, किसके अंडर ये हम ICH को डालते हैं, इट इज़ द यूनेस्को कन्वेंशन फॉर सेफ गार्डिंग द ICH इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इनटेंजिबल माने जिसको आप छू नहीं सकते, गरबा नहीं छू सकते आप, गरबा करने वालों को छू सकते हो, और हो सकता है मार मुर खा लो, तो मत छूना। इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ट्रांसफॉर्म, राइट, तो इसको लिख लो इसके साथ में, और ना अडॉप्टेड इन 2003, एंटर्ड इनटू फोर्स 2006, डिसीजन मेकिंग बॉडी है इसकी, इंटर गवर्नमेंटल कमेटी, मीनवाइल सोचते रहना क्यों ही प्रिजर्व करना है कल्चर। और इसमें आप लिख लो नीचे ब्रैकेट में, मेंबर्स 24
24 मेंबर्स की ये कमेटी होती है और 2026 चार लिख लीजिए आप मेंबर्स 24 सेमीकॉलन इलेक्टेड इन जनरल असेंबली यूएन की जनरल असेंबली नहीं इस कन्वेंशन की जनरल असेंबली जो होती है टर्म 4 इयर्स आज हमारे पास 1, 2 या 3 टॉपिक हैं जो कल्चर के हैं बाकी सारे टॉपिक एनवायरनमेंट के हैं आज राइट और टॉपिक्स जो इजी वाले टॉपिक्स हैं वो मैं नहीं लेके आया जहां पे इंडिया ने भी साइन कर दिया 193 कंट्री साइन कर रही हैं उस पर नहीं सवाल आएगा कुछ कुछ है जो इंडिया ने साइन करने से मना कर दिया कि हम ये साइन नहीं करेंगे और कुछ कारण दिए हैं तो हम उस एंगल पे ज़्यादा रहेंगे कुछ टर्म्स नए आए हैं कोई नई रिसर्च हुई है देर आर सर्टेन टर्म्स जो नए आए हैं तो एनवायरनमेंट पे थोड़ी ज़्यादा हैवी रहेगी स्टार्टिंग में ही बस ये थोड़ा बहुत हम ये करेंगे राइट लिख लिया टर्म 4 इयर्स और क्योंकि यूपीएससी का थोड़ा दिमाग ख़राब चल रहा है पिछले कुछ सालों से तो ये भी लिख लो कि इंडिया कब कब मेंबर रहा था इंडिया सर्व्ड एज अ मेंबर थ्राइस मतलब थर्ड सर्विंग कर रहा है अभी 2006 टू 2010 2014 to 2018 एंड 2022 to 2026 का जो साइकिल है वो ठीक है ऑनलाइन अच्छा बताया उन्होंने वो बोल रहे हैं कल्चरल हेरिटेज इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इसलिए प्रिजर्व करना है फॉर सॉफ्ट पावर एंड ट्रेवल टूरिज्म है ना आपको नहीं लगता कि ये मतलब उससे काम लिया जा रहा है ये इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कल्चरल हेरिटेज देन यू कैन हैव है ना सॉफ्ट गुड सॉफ्ट पावर एज वेल एज गुड ट्रेवल एंड टूरिज्म हाँ कोर अभी भी नहीं मिला होगा राइट पैलेस्टीन में क्या लड़ाई चल रही है क्यों लड़ रहे हैं वो लोग फॉर व्हाट अगर उनकी लैंड खत्म हो जाएगी तो क्या होगा एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस मींस व्हाट हाँ होगा तो क्या मतलब बेसिकली वो क्या लेना चाह रहे हैं उससे आप लोग अपने आप को पंजाबी क्यों बोलते हैं अगर मैं पूछूंगा हु आर यू अपना नाम बताते हो आप और आजू बाजू बैकग्राउंड बताना शुरू कर देते हो व्हाट इज दैट दैट यस दैट इज योर आइडेंटिटी जिसके बिना आप जी नहीं सकते हो राइट सो ICH इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज आपको जहां भी देखने को मिलेगा कभी भी देखने को मिलेगा अल्टीमेट उसका यही होगा कि यार यहां से ना हम लोग पहचान डिराइव करते हैं अपनी राइट और बहुत कोर है हमारे लिए हमारी पहचान राइट अदरवाइज अगर ये वाला डर दिमाग से निकल जाए ना पहचान वाला आप लोग तैयारी करनी छोड़ दोगे सेम मोमेंट जिस मोमेंट आपको ये चीज रियलाइज होगी कि कोई काम नहीं है इसका आप लोग तैयारी ही करनी छोड़ दोगे अपनी फॉर श्योर राइट तो इतना डीप रूटेड है ये और कुछ हद तक तो मेरे को ऐसा भी लगता है कि जो जब हम कार्ल मार्क्स पढ़ते हैं और वो क्लास स्ट्रगल बताता है लो एक लो क्लास है हाई क्लास है बीच के इसके बीच में मूवमेंट होती है ऐसे होता है वो भी कहीं ना कहीं आइडेंटिटी ही है कार्ल मार्क्स भी इसीलिए जमता लोगों को बिकॉज दे स्टार्ट डिराइविंग देयर आइडेंटिटी फ्रॉम द मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पसंद नहीं आ रही वो अलग बात है बदलनी है वो अलग बात है राइट तो आइडेंटिटी जहां से आप लोग डिराइव करते हो बहुत कोर है तभी थोड़े टाइम बाद जिन कस्टम्स को आप गालियां देते फिरते हो ना घर वालों की आप ही फॉलो करते फिरोगे साउंड सरप्राइजिंग है ना कि ऐसा तो नहीं होगा हम तो नहीं हमने क्यों जाना है वो गांव वाले मंदिर हमने तो जाना ही नहीं हम क्या करेंगे उधर जाके लेकिन आप जाओगे जब आइडेंटिटी क्राइसिस हिट करेगा ना एक्चुअल में आइए बच्चे ठीक है जी तो मेन मेन मुद्दा ये है
जहां पे भी आप इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज की बात करोगे, मोस्टली वो यहीं से बात शुरू होती है कि यार वहां से ना हम लोग डिराइव कर रहे हैं हमारी आइडेंटिटी क्या है। फायदा इसमें ये रहता है क्योंकि कल्चर वो पुराना है, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेक्नोलॉजी एम्पावर्स यू टू ऑल्टर द एनवायरनमेंट, है ना। तो क्योंकि कल्चर पुराना है तो वो इको फ्रेंडली है ही है, क्योंकि आप ऑल्टर कर नहीं सकते थे पहले एनवायरनमेंट को उस लेवल पे, इतने बड़े डैम्स नहीं बनाए जा सकते थे, न्यूक्लियर पावर्स नहीं बनाई जा सकती थी, आप नुकसान नहीं कर रहे थे एनवायरनमेंट का, हैंस उसके भी है। इसके अलावा जो इन्होंने बोला ट्रैवल टूरिज्म सॉफ्ट पावर जो ये पॉइंट्स बोल रहे थे, ये उसके फायदे हैं, ये उसके प्रोज हैं। अगर आप कल्चरल हेरिटेज बचा रहे हो तो उसका ये फायदा भी उसमें होगा, राइट। इसमें ये किस तरीके से चुनते हैं इसको, ये भी इसमें बच्चे लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज अ प्रैक्टिस। क्या है ICH, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज? प्रैक्टिस, रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन, नॉलेज और स्किल कंसिडर्ड बाय यूनेस्को टू बी अ पार्ट ऑफ द प्लेसेस कल्चरल हेरिटेज। नॉन फिजिकल इंटेलेक्चुअल वेल्थ, राइट, such as folklore, customs, beliefs, traditions, knowledge and language. और ये चीज एक्चुअली बहुत टेंजिबल है, जैसे आपके जो फोकलोर्स हैं, है ना, पंजाबी वाले फोकलोर्स हैं, उसका कोई एक पोर्शन उठा के ना बॉलीवुड वगैरह में गाना बन जाता है, कोई एक पोर्शन उठा लिया वो, चाहे ट्यून ही उठा ली, चाहे गुरबाणी से ट्यून उठा ली, है ना, चाहे उधर से ट्यून उठा ली, वो ऑटोमेटिकली हिट हो जाता है, बिकॉज जब वो बनाए गए थे तो दे आर क्लोज टू नेचर एंड यू आर सब पार्ट ऑफ नेचर, आपको वो जमना ही जमना है ना, यू डो नॉट हैव अ चॉइस, आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा वो, है ना, जैसे पानी पी के अच्छा लगता है, सिंपल एज दैट, राइट। अरे बच्चे एक दो पॉइंट्स इसमें और लिख लेते हैं। अब यूनेस्को से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो नहीं डील करता होगा, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डील करता है, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर खुद भी नहीं करता, उसने आगे एक नोडल एजेंसी अपॉइंट की हुई है, वो सारी लिख लेते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, याद है किसी को कौन है नोडल एजेंसी इसकी, किया था हमने, हैज अपॉइंटेड द संगीत नाटक अकेडमी, अकेडमी की स्पेलिंग दूसरे हैं, ये प्रॉपर नाउन है, AKADEMI, अकादमी। इसमें आप ब्रैकेट में लिख लो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। आपके पास डॉक्यूमेंट है लास्ट में, एज द नोडल ऑफिस फॉर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू ICH, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, है ना, मतलब दिस इंक्लूड्स योर यूनेस्को's ICH रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ ICH। एक नोट डाल के लिख लीजिए, नोट, इन 2020 The Ministry of Culture launched a list of national
इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज नेशनल ICH. कॉमा 14 ऑफ द आइटम्स have been designated as ICH. ICH by UNESCO as well. समझ रहे हो? 14 आइटम्स ओवरलैप कर रही हैं और इंडिया अगर अपनी लिस्ट बनाएगा तो इंडिया में ज्यादा ही लिस्ट है थोड़ी सी. वो ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं उसमें, यूनेस्को वाले के अंदर ह्यूमैनिटी के कल्चरल हेरिटेज की बात हो रही है. जब इंडिया लिस्ट बना रहा है तो इंडिया के कल्चर हेरिटेज की बात हो रही है. उसमें आप जो कुछ भी सोच सकते हैं, जो आपको पता है, वो उसमें ऑलमोस्ट लिस्ट में होगा ही. सिक्स सेवन मेजर तरह का तो भंगड़ा ही है ना. आप मतलब मोस्टली हमको एक ही पता होता है, बट उसकी बहुत सारी वेरिएशन है, मलवई, लुड्डी, ये वो, है ना. तो इस सब की लिस्ट मेंटेन करना है ना, इट्स अ गुड थिंग. तो इससे हम कंपटीशंस करवा सकते हैं, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर. यूथ फेस्ट करवाया और इसमें अलग अलग कैटेगरीज में भंगड़े रखवा दिए. जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं कि क्यों ये लिस्ट वगैरह इंपॉर्टेंट होती है, क्राइटेरिया बन जाता है उसके बाद में. ठीक है जी, चले पीछे फर्स्ट टॉपिक में. ये देखी होगी वाली न्यूज़ तो, है ना. ये तो मैंने सुना इन शॉर्ट पे भी आ गई थी, आप लोगों की नोटिफिकेशंस में आ गई होगी ये न्यूज़ तो. इसको हम कवर करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से. इसमें भी कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, एक दो वर्ड्स नए होंगे बाय द वे. मतलब बहुत अगर सिंपल भाषा में बताऊँ तो ये जो वर्ड है एंगोर, तो ये इट्स अ बेसिकली खमेर अडेप्टेशन. जो रीजन है वहाँ की लैंग्वेज है KHMER, उसकी अडेप्टेशन ऑफ द वर्ड नगर, नगौर, है ना. तो इट मीन्स सिटी, है ना. तो ये वही सेम ही वर्ड है जो तुमने सुन रखे है ना, ये सेम ही है. तो इट लिटरली मीन्स सिटी. व्हाट का नहीं मिल रहा था मुझे, वो मैंने ढूंढने की कोशिश करी, दूसरा वर्ड नहीं मेरे को मिला. प्लस इसको न्यूज़ ये है कि इट हैज़ बीन रिकग्नाइज एज 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड. आई सर्च्ड अ लॉट, मतलब जहाँ जहाँ इंटरनेट पर जाया जा सकता है, किसने डिक्लेयर किया मुझे भी नहीं मिला. हर जगह यही लिखा है अनऑफिशियली डिक्लेयर्ड, अनऑफिशियली मतलब इवन यू एंड आई कैन डिक्लेयर दिस अनऑफिशियली. हम कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं ना, मतलब अनऑफिशियल तो अनऑफिशियली है, राइट. पर पंगा इसमें ये होता है ऐसी चीज़ में कि जो एजेंसी डिक्लेयर करती है, जैसे फॉर एग्जांपल जो न्यू सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, सुना होगा आपने. तो दिस इज द लिस्ट ऑफ दैट न्यू सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं इनको, क्लोजियम, माचू पिचू, पेत्रा, ताजमहल, ये जो सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है न्यू सेव. तो ये भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे शुरू किया था 2000s में, स्विस ऑर्गेनाइजेशन थी कोई, है ना, और पॉपुलराइज कर दिया कि हम लिस्ट बनाने वाले हैं न्यू सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. क्योंकि जो पुरानी वाली लिस्ट है दैट इज एज ओल्ड एज 2nd century BCE, वो तब की है. एंड ओनली वन एलिमेंट इज कॉमन बिटवीन द ओल्ड सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड न्यू सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. एनी गैसेस कौन सा होगा वो? मैं भूल गया यार. मेरे दिमाग से निकल गया, सॉरी. इसमें पिरामिड्स ऑफ गीजा है क्या? यही लिस्ट गलत है इसका मतलब. लिस्ट गलत है बच्चे. So, एक ओल्ड लिस्ट है, एक न्यू लिस्ट है, राइट. सो उनमें एक ही चीज कॉमन है, दैट इज द पिरामिड्स ऑफ गीजा, राइट. इसके अलावा और कोई चीज कॉमन नहीं आई है. सो ये इज एज सिंपल एज दैट कि अगर मान लो हम कोई अवार्ड फंक्शन रखवाते हैं या जो उसमें फंडा है, इंडियाज गॉट टैलेंट टाइप शोज होते हैं,
तो दे प्रोवाइड यू दी पॉपुलैरिटी, दे प्रोवाइड यू ए डील कि क्यों आप इसके अंदर फीचर करोगे, और बाद में वोटिंग वोटिंग होती है, एक्चुअली कोई खास मतलब है नहीं इन बातों का, है ना। तो अनलेस एंड अनटिल मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बना दूँ, समझो इस बात को, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बना दूँ कि आप सब लोग ना कोई एक एक टैलेंट मुझे आके प्रेजेंट करोगे, और बदले में मैं आपको जो भी अच्छा लगेगा आई विल प्रोवाइड 1 करोड़ रुपीज़, तो आप जान लगा दोगे इस चीज़ के लिए, है ना। और देखोगे कि यार इतनी पब्लिसिटी भी हो रही है साथ में, तो सेम काइंड ऑफ चीज़ होती है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल पे वो करवाती है, लिस्ट का कोई अपने आप में कोई मतलब नहीं है। आई ट्राइड हार्ड टू फाइंड कि क्या हो गया इससे, एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोल दिया, नाउ वॉट, तो कुछ मिला नहीं खास मेरे को, तो सिर्फ टर्मिनोलॉजी है। पर न्यूज़ में क्योंकि बार बार कवर हो रहा है, तो हमारे लिए टेम्पल इंपॉर्टेंट हो गया। अगेन टेम्पल के अंदर भी कुछ दो चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आइए बच्चे देखते हैं इसमें। देखिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप रीजन देख लीजिए, आप ये आपको पता ही होगा, ये टेम्पल आपने पहले भी पढ़ा ही होगा, है ना, स्टैटिक में हम पढ़ते हैं इस चीज को। लोकेटेड इन सियाम रीप नॉर्दर्न कैम्बोडिया, अपने लेवल पे एक बारी कैम्बोडिया का मैप वगैरह देख लेना, मेजर नदी आसपास की कंट्रीज, बॉर्डरिंग कंट्रीज, लैंडलॉक्ड है या नहीं है, और उसके लैटिट्यूड्स वगैरह देख लेना, बेसिक बेसिक चीज़ें जो होती हैं, और कि कौन सी लाइन डिवाइड कर रही है, क्या कर रही है, इस टाइप की चीज़ें, स्टैटिक बिल्कुल ना, कैम्बोडिया को रिसर्च कर लेना। ऑल्सो नोन एज यशोधरा पुरा, लैंग्वेज की कॉमनैलिटी देख रहे हो आप नाम वगैरह रखने में, और जैसे मैंने आपको बताया कि एंगोर का मतलब भी वो नगर ही है, बेसिकली सेम ही वर्ड है ये, राइट। लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर, बच्चे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह पाएंगे, 12th सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट हिंदू, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, खमेर एम्परर जिनका नाम है सूर्यवर्मन सेकेंड, सूर्यवर्मन टू। अगेन आई वुड सजेस्ट कि इसको ना आप थोड़ा सा रट्टा मार के याद करना, इसको ज़्यादा सेंस बनाने की कोशिश मत करना, ये वैसे वाला क्वेश्चन है जिसको आप पहली गो में छोड़ने वाले हो प्रीलिम में, जब नज़र पड़ेगी ना इस पे, टेढ़े मेढ़े नाम होंगे उसके अंदर, ये यशोधरा पूरा और ये सब लिखा हुआ आएगा, तो आप छोड़ दोगे इसको फर्स्ट गो में, तो सेकेंड गो में आओगे तब तक आपका साफ हो चुका होगा दिमाग, तब आप सोचने की हालत में नहीं होगे, राइट। तो इसका एक ही इलाज है कि आप स्टार्टिंग में इसको रट्टा मार लो, रट्टा मार के अगर दिख गया तो दिख गया, राइट। जैसे वो नहीं है रत्नावली और वो सब प्लेस के आपने याद करे होंगे कि किसने लिखा है, भानुभट्टा कौन था, वो जैसे वैसे है फाही न्यूनसंग जैसे आपको रटे हुए हैं, इसको भी उस लेवल पे रट लेना, है ना, तो आप ये क्वेश्चन निकाल पाओगे, अदरवाइज इसको घुमाना बहुत आसान है, एक कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी डाल देंगे वो जो आपको नहीं पता, एंड यू विल गेट स्टम्प आउट, है ना, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको रट लेना बस। अब देखिए बच्चे, इट वॉज इनिशियली डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु एंड लेटर ट्रांजिशन इन टू बुद्धिस्ट टेम्पल। बच्चे यहां पे ना एरो डाल के लिख लो, लॉर्ड विष्णु के उधर फेमस 8-armed लॉर्ड विष्णु स्टैचू, ये है। और क्लेवरली मैंने दो इन्फॉर्मेशन और आपको इसमें देने की कोशिश करी है, दैट कंबोडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ फ्रांस, राइट, एंड हेंस द नेक्स्ट टू पॉइंट्स, द फ्रेंच फिक्स्ड अप द एंगोरवट फॉर टूरिस्ट इन द अर्ली 1900s, कंबोडिया गॉट कंट्रोल ऑफ द टेंपल when it became independent in 1953, ठीक है जी, दो स्टैटिक इंफॉर्मेशन और है इसके अंदर, ये दोनों। और एक और तरीके से बच्चे सवाल आ सकता है इसमें से, दैट इज कि which one of the temples showcases a transition between Hinduism to Buddhism, राइट। सो दिस इज द टेम्पल जो यहाँ पे सेकेंड है ना, इट वॉज इनिशियली डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु एंड लेटर ट्रांजिशन इन टू अ बुद्धिस्ट टेम्पल, तो इसके ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है,
राइट, ये एक मतलब मेरे को तो एक लौता ही मिला था, ये होंगे और एग्जांपल्स भी, बट दिस वन इज दी वन जो कि पूछा जाएगा और ये उसका आंसर बनेगा, राइट right? या फिर अगर स्टेटमेंट्स में आता तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको ज़्यादा टेम्पल्स नहीं देखने को मिलते हैं जिसके अंदर ट्रांजिशन देखने को मिलती है. सो इफ़ वी हैव अ टेम्पल जिसके अंदर ट्रांजिशन हुई है, दैट मीन्स कि इसका जो अंदर आर्किटेक्चर होगा और जो बेस रिलीफ जो दीवारों पे स्कल्पचर्स होते हैं उसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी. इसका मतलब ट्रांजिशन ही हो गई है. एंड बुद्धिज़्म एंड हिंदुज़्म काफ़ी कॉमन ट्रेट्स भी शेयर करता है. जो लेटर पार्ट ऑफ बुद्धिज़्म है वो रिचुअलिस्टिक जब हुआ था, राइट, तो वो काफ़ी ट्रेट्स कॉमन शेयर करता है. तो सेम टेम्पल उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है. ये स्टेटमेंट उतनी गहरी है, उतनी बड़ी स्टेटमेंट है ये. आर्किटेक्चर के ऊपर लिख लेते हैं बच्चे कुछ कुछ. कंस्ट्रक्टेड प्राइमरीली यूजिंग सैंडस्टोन, ये आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्टेड प्राइमरीली यूजिंग सैंडस्टोन. कार्विंग में आसान होती है सैंडस्टोन अगर यूज कर रहे हैं तो. गुड चॉइस. फिफ्टीन फीट हाई वॉल, फिफ्टीन फीट हाई वॉल, नेक्स्ट पॉइंट है ये. एंड मोट फॉर प्रोटेक्शन, MOAT, मोट फॉर प्रोटेक्शन. मोट समझते हो क्या चीज़ है? वो देखा है आपने, आपने कार्टून मूवीज और वो सब देखी होगी कि वो टेंपल के राउंड ऐसे ट्रेंच खोद देते हैं और फिर किसी ने आना होता है तो वो उसे डाउन करते थे और फिर वो आते थे उसे. हाँ, तो वो जो ट्रेंच होती है उसको मोट कहा जाता है. उसके अंदर आप कुछ भी छोड़ सकते हो, है ना, मगरमच्छ ये वो. बेस रिलीफ डिपिक्टिंग BAS-RELIEFS, बेस रिलीफ डिपिक्टिंग हिंदू एंड बुद्धिस्ट नैरेटिव्स. The central complex symbolizes Mount Meru, MERU. ये एक sacred mountain है जो कि हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी दोनों में सेक्रेड है. ये गढ़वाल में है कहीं पे माउंट मेरू. करंटली इन उत्तराखंड. और एक एक दो चीज़ें और लिख लो, मतलब अगेन इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है बट अगर आता है यूपीएससी पूछ सकता है. इम्पॉर्टेंट विजिटर्स जो यहाँ, जिन्होंने यहाँ विजिट किया है, हालांकि ये इनके देश की हिस्ट्री होगी. मैं स्पेलिंग ही बोल दूं क्योंकि ये इटालियन और ये सब है. एंटोन, ANTONIO. आई हैव वॉच्ड इनफ सीरीज कि मैं ये वाले नाम दूसरी भाषा में ले सकता हूँ, दूसरे एक्सेंट में. हाँ, फिर मेरे को पूरी क्लास उस एक्सेंट में लेनी पड़ेगी. हाँ, अब मेरे को भी कुछ कुछ कंपल्शंस हैं.
तो मैं स्पेल कर देता हूँ, ए एन टी ओ एन आई ओ डी ई स्पेस स्पेस डी ई स्पेस एम ए डी ए एल ई एन ए। आई नो तुम दिमाग में बोल रहे हो इसको, हाँ ये मेरी भी सेम ही प्रॉब्लम है, लिख ली बच्चे एम एम ए डी ए एल ई एन ए। ये ना आप ऐसे मतलब टेबल फॉर्म में लिखना है, टेबल बनाना मत पर उसी में लिखना, पोर्चुगीज 1586। दो ही मेजर है, दो ही लिखेंगे हम। नेक्स्ट इज हेनरी एन ई एच ई एन आर आई एच ई एन आर आई स्पेस एम ओ यू एच ओ टी एम ओ यू एच ओ टी फ्रेंच 1840। बाय द वे दिस वाज द ट्रेवलर जिसने मतलब वापस जाके ग्रीस एंड रोम में बोला था कि यहाँ का आर्किटेक्चर कुछ भी नहीं है उनके सामने, जो वहाँ पे टेंपल बना हुआ है, राइट। सो इस लेवल पे ऑस्ट्रक होता है इंसान इसको देख के। कौन सा? हाँ जी डेली नहीं, पोर्चुगीज पोर्चुगीज। एक नोट डाल के लिख लो, वो वाली स्टेटमेंट लिख लो बच्चे। द न्यू सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द ओरिजिनल सेवन वंडर्स, ओरिजिनल सेवन वंडर्स लिस्ट ऐसे लिख लो, और इसके ब्रैकेट में लिख लो कंपाइल्ड इन सेकेंड सेंचुरी BCE। हैज ओनली वन कॉमन एंट्रेंट, That is the pyramids of Giza, G-I-Z-A. चलें जी आगे। तो कल्चर के यही दो टॉपिक्स हैं हमारे पास, राइट। ये जो हमने अभी टॉपिक किया है द टेंपल, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर PCS एंड HCS एज वेल, राइट। वो थोड़ा करंट अफेयर्स में कम ही जाते हैं गहरा, और ये सरफेस पे ही है, राइट। तो वो वहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट है। UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से यूनेस्को ICH अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, ICH ऑफ ह्यूमैनिटी जो हमने करी है, और जो दो चार चीज़ें की टर्म ऑफ 4 ईयर्स इंडिया मेंबर है या नहीं, है ना, इस टाइप की चीज़ें। और बस ज़्यादा इसमें आपको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, इसको रट लेना बस, वो मत छोड़ना। इससे मुझे याद आया रिवीजन का क्या हाल चल रहा है। आई टोल्ड यू दिसंबर तुम्हारे आंखों के सामने आ जाएगा, वी आर इन द मिडल ऑफ दिसंबर।
राइट नाउ आई एम गिविंग अनदर स्टेटमेंट दैट बिफोर यू नो यूपीएससी के फॉर्म्स बाहर होंगे, ठीक है, ऐसे ही पता नहीं चलेगा. तो अगर आपने रिवीजन को अभी भी छोड़ रखा है कि बाद में करेंगे, तो यूपीएससी बोलेगा ठीक है हम भी बाद में ही देखते हैं फिर, इट्स अ गिव एंड टेक, राइट. तो आप रिविजन को थोड़ा ऑन पॉइंट रखो. 21st डॉक्यूमेंट है ये. इफ़ यू से वी कैन स्टार्ट द रिविजन फ्रॉम वन एज वेल, बट आई नीड कि तुम लोग साथ रहो उसमें. यू डिसाइड एंड लेट मी नो. डिसाइड करके अंदर रख लोगे फिर कोई फ़ायदा नहीं है. कैसे करना है? डॉक्यूमेंट वन से रिविजन शुरू करें एंड लाइक इन वन मंथ हम लोग 20 तक रिवाइज कर चुके होंगे, अदर देन द फैक्ट कि ये भी साथ साथ ही करना है. ठीक है, मंजूर है? ठीक है, तो डॉक्यूमेंट 1-5 है ना, इसको आप रिवाइज करके नेक्स्ट वाली क्लास में रिवाइज करके आना इसको. आई सी कि अगर कुछ क्विज वगैरह क्लास में करनी है तो वो कर लेंगे, बट अदरवाइज आई ट्रस्ट यू एंड आई ऑल्सो डोंट केयर ऑल्सो कि नहीं करना हो तो मत करना, कोई चक्कर नहीं है. सिलेक्ट होना है तो आई एम विद यू. ठीक है जी, हाँ. क्विजिंग थोड़ी अलग पर्पस के लिए है, अगर आप करोगे ही नहीं तो फिर क्विजिंग का मतलब कोई, वाई वुड आई मेक अ सेपरेट क्विज यार, मतलब समझ रहे हो, मेरा क्लास से काम चल जाएगा, आप लोगों का नहीं चलेगा. ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको रिवाइज करो. डॉक्यूमेंट 1-5 यानी कि वील मीट ऑन 21st नेक्स्ट, राइट? ठीक है. ऑनलाइन ऑल्सो, ऑनलाइन आप लोगों को मैं ऐसे डरा नहीं पाता आंखों में आंखें डाल के, पर डरना है आपने भी. और 1, 2, 3, 4, 5 एंड यू हैव 7 days. एक दिन अगर एक डॉक्यूमेंट भी पकड़ते हो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ. 2 दिन आपके छुट्टी के, अच्छा एक डॉक्यूमेंट ये हो गया 6, एक दिन आपका ऑफ. उस दिन मत करो करंट अफेयर्स, बिल्कुल मत करो. ऑल्सो आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि आप लोग न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ रहे हो, आपका काम आउटसोर्स कर दिया गया है ना, तो करंट अफेयर्स के नाम का कुछ तो करोगे ना, इम्पॉर्टेंट है. 15 से 25 के बीच में कुछ कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से. आई होप कि अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो हम वहाँ पे फंसे ना बस, जस्ट बिकॉज ऑफ सिंपल लैक ऑफ रिवीजन, फिर ज़्यादा दुख होगा तुम्हें. डॉक्यूमेंट है बच्चे आपके पास? आपके पास तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं होगी 2 बजे वाली, है ना, कि 1 बजे हो गया, मिस हो गई. अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठो आप. मैम ठीक है, टॉपिक नंबर 3 पे आ जाओ बच्चे. ये पीसीएस वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, अभी हम लिखने वाला काम बाद में करते हैं, उनका डॉक्यूमेंट आ जाएगा, तब तक हम इसमें देख लेते हैं. बच्चे आप साथ में शेयर कर लो अभी ना पढ़ने के लिए. द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023. सर वहीं रख दो इसको कहीं पे. थैंक यू. सो एक तो होती है आपकी एग्रीकल्चर के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉस्ट, है ना, जो पिछली बार हम फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहे थे, याद है वो लेबर और टेक्नोलॉजी वाला जो हमने पोर्शन किया था, एक तो वो वाली कॉस्ट है. नाउ देयर इज अनदर कॉस्ट, इसको हिडन कॉस्ट कहा जाता है, जो कि आपकी फूड जितने भी आपके एग्री सिस्टम है ओवरऑल जिसको देखा जाता है. फॉर एग्जांपल कि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि हम लोग NFSA के थ्रू, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू, हम गरीब लोगों में खाना बहुत सस्ते में देंगे, नियरली फ्री हम प्रोवाइड करेंगे, राइट, तो उस पूरी चीज़ को मेंटेन करने के लिए कॉस्ट है, वेयर हाउस की एक कॉस्ट है, आने जाने की एक कॉस्ट है, तो इसको हम एग्री सिस्टम की हिडन कॉस्ट बोलते हैं, राइट. ये हमारे सिस्टम की इनएफिशिएंट होने का एक प्रमाण होता है, एक सिम्टम होता है, एक हाईलाइट होता है ना. जैसे फॉर एग्जांपल आपका जब कोरोना टाइम में आपको क्या सिम्टम्स आए थे ना, फीवर हुआ, नाक बहना शुरू हो गया, फिर टेस्ट हुआ, फिर पता लगा ओह एजेंट तो कोरोना था. सो दीज आर दी सिम्टम्स. बाकी जो है ना कि अच्छा आपके एग्री फूड सिस्टम में, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू सी जो ब्रैकेट में लिया हुआ नीचे, इन कंट्रीज लाइक इंडिया दीज कॉस्ट, कौन सी हिडन कॉस्ट की बात हो रही है, दीज कॉस्ट अमाउंटिंग टू नियरली 11% ऑफ GDP. इट्स अ ह्यूज ह्यूज कॉस्ट.
11% ऑफ जीडीपी आपकी हिडन कॉस्ट में जा रही है, मैनिफेस्ट इन वेरियस फॉर्म सच एज इंक्रीज पॉवर्टी, इन्वायरमेंटल डैमेज एंड हेल्थ इश्यूज, राइट, अदर देन दोज। आइए बच्चे इंपैक्ट देखते हैं। हमने लास्ट टाइम बात करी थी आपके इंटेंसिव एग्रीकल्चर के ऊपर, याद है, कम जगह में बहुत सारे रिसोर्सेज यूज करके हम मैक्सिमम प्रोडक्शन जब निकालते हैं, और उसके अंदर हमने इसके जो फैक्टर्स पढ़े थे दैट वाज कि हम हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स और ये सब चीज़ें यूज करते हैं एंड हेंस उनके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। और इस टाइप का सवाल आपके पास बहुत बार ही आएगा और एक समय के बाद ना आपको ये चीज़ रिडंडेंट लगने लग जाएगी, राइट, कि यार हो तो गया, पढ़ लिया हमने बहुत बार, है ना, कि हमें पता है एग्रीकल्चर में यार ये चीज़ें हो रही है, स्टबल बर्निंग हो रही है, उससे ये हो रहा है, उससे वो हो रहा है। यूपीएससी को हर साल नए बच्चे चाहिए और नए बच्चे के लिए हर बार ये चीज़ नहीं ही होती है, तो आप जितना इसको पक्का करके रखोगे उतना सही है। यही पूछा जाता है, अगर एग्रीकल्चर पूछा जाएगा, एग्रीकल्चर की अगर ये प्रॉब्लम है तो वो बदल नहीं जाएगी अगर आपने 2 साल से तैयारी करी है, राइट। तो ये मेरे को भी कई बार फील होता था, आई यूज़ टू ओवरलुक बेसिक चीज़ें, है ना, कि यार ये तो आता ही है, हम और ज़्यादा डीप में जाता हूँ मैं, और देखते हैं इंटेंसिव में एग्जैक्टली कौन सी सीड यूज़ हो रहे हैं, नीडेड नहीं है, राइट। वो नए बच्चों को भी सेम ही लेवल का पेपर देना चाह रहे हैं ना, तो इसलिए। आइए बच्चे ये आपका मेन सॉर्ट करने वाला है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए इम्पैक्ट्स ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर इन इंडिया। बाय द वे हिडन कॉस्ट के अंदर आपका इन्वायरमेंटल कॉस्ट जो हमने पहले बात करी हुई है ना एक बारी, कि अगर आप एक जंगल काट रहे हो, है ना, तो उसकी एक कॉस्ट है, अब आप उसको मेजर कैसे करोगे, राइट। एक जंगल कट गया, वहाँ पे इकोलॉजी थी पूरी, अब वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल सामने यहाँ पे आपको कई बार मोर दिख जाते होंगे, अगर यहाँ पे बिल्डिंग्स बन जाएंगी तो दोज पीकॉक्स विल नॉट बी हेयर, वो एक कॉस्ट है जो बिल्डिंग बनने की हमने पे करी है, तो मेजर नहीं हो सकते, हिडन कॉस्ट कहा जाता है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। आइए बच्चे आगे देखते हैं, इम्पैक्ट्स ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर इन इंडिया, ये स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए डाला गया है यहाँ पे आज। नंबर वन, ग्रीन रेवोल्यूशन फोकस ऑन हाई यील्डिंग वैराइटीज ऑफ राइस एंड वीट लेड टू मोनोकल्चर, कॉम्प्रोमाइजिंग सीड सॉवरेनिटी, डिसमेंटलिंग इंडिजिनियस नॉलेज एंड नेगेटिवली इम्पैक्टिंग न्यूट्रिशनल नीड्स एंड इकोलॉजिकल हेल्थ। समझ में आ रहा है ये पॉइंट ऑलमोस्ट? अगर आपसे मैं इस इम्पैक्ट ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर की बात करूंगा ना, आप ये पूरे आंसर में लिख के दोगे मुझे, पढ़ो ये वाली दोबारा, क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, मोनोकल्चर, सीड सॉवरेनिटी, डिसमेंटलिंग इंडिजिनियस नॉलेज, नेगेटिवली इम्पैक्टिंग न्यूट्रिशनल नीड्स एंड इकोलॉजिकल हेल्थ। राइट, सो अगर बात सिंपल है तो उसको सिंपल भाषा में कहा जा सकता है, एक लाइन के अंदर मेजर इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सीड सॉवरेनिटी पता सबको, व्हाट इज सीड सॉवरेनिटी? नहीं, ऑन करना है, ऑफ है, सीड सॉवरेनिटी तो बता दो मेरे को तब तक। सॉवरेनिटी क्या होती है? हाँ, यस, हाँ, सीड सॉवरेनिटी इज दैट वन। कि पहले क्या होता था ना, कि अगर आप की फसल अच्छी हुई है तो आप अपने ही बीज अलग से निकाल के रख लेते थे और आप सेल करते थे, आपके पास में पूरा हक था अपने सीड्स को चूज करने का, अब नहीं है, सीड्स खरीदनी पड़ती हैं, HYV वैराइटीज आपको वहीं मिलेंगी, हाई यील्डिंग वैराइटीज और आपका जो BT वैराइटीज हैं, है ना, तो ये सब आपको वहीं पे वहीं से खरीदना पड़ेगा, तो सीड सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है। सो ये पॉइंट है, अगर किसी को नहीं पता तो आप लिख लो एरो डाल के, सीड सॉवरेनिटी का मतलब बता रहा हूं उसमें, फार्मर्स हैव द कंप्लीट फ्रीडम टू डील इन सीड्स,
ठीक है बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। प्रोडक्टिविटी बूस्ट ओवर द पास्ट 5 decades हैज लार्जली बीन ड्यू टू मोनोक्रॉपिंग एंड केमिकल इंटेंसिव फार्मिंग। दोनों नुकसानदायक है, इसको डिटेल में समझ लेना अभी, ताकि इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। मेरे पास एक्चुअली इसके सॉल्यूशंस प्रेजेंट नहीं है, मैं नहीं लिख के लाया हूँ, नहीं ढूंढ के लाया हूँ। राइट नाउ वी विल सी कि अगर हम ये प्रॉब्लम हमारे एट हैंड आई है तो उसका सोल्यूशन क्या है। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल एंड इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज। अगेन डिक्लाइन इन क्रॉप डाइवर्सिटी इम्पैक्टिंग हाउस होल्ड न्यूट्रिशन कॉजिंग इकोलॉजिकल इश्यूज लाइक ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एटसेट्रा। कुछ भी नया लग रहा है इसमें से? सिर्फ नए वर्ड्स हैं, नए सेंटेंसेस हैं, नया तरीका है बात कहने का। तभी आपको ऋग्वेद और बुद्धिज्म के अंदर ना बहुत सारी कॉमन चीज़ें मिल जाएंगी। देन लाओ सू आज के बाद में जो नेक्स्ट थिंकर एंड इवन कार्ल मार्क्स एंड बुल्ले शाह के बीच में बहुत वो है। तो बात तो वही है, कहने का तरीका मॉडर्न है बस, जो आज की भाषा में समझ में आ जाए, बात सेम है। ठीक है जी, अब इकोनॉमी में क्या इफेक्ट हुआ? जब हमने थोड़े दिन पहले क्वेश्चन किया था ना, एक आपको याद होगा इम्पैक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस वाला कुछ क्वेश्चन किया था, स्टबल बर्निंग के ऊपर किया था हमने। हाँ, इस तरीके से अटेम्प्ट होते हैं वो चीज़ें। अब इसमें कोई भी चीज़ ड्रामेटिक नहीं है। डू यू सी एनीथिंग दैट इज ड्रामेटिक गोइंग ऑन, कि ऐसे मर गए, लुट के बर्बाद हो गए टाइप? कुछ नहीं है, सिंपल फैक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं, ये है तो इससे ये हुआ है, राइट? नेक्स्ट सी इकोनॉमिक वायबिलिटी। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स हैज इंक्रीज्ड फार्मर इंडेबटनेस। फार्मर्स का लोन्स वगैरह बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं? क्योंकि इक्विपमेंट प्राइवेट इक्विपमेंट खरीदने पड़ रहे हैं, मेकिंग एग्रीकल्चर इंक्रीजिंगली अनवायबल इन इंडिया। अनवायबल इज जो पंजाबी में कहते हैं ना, वो वीरे वारा नहीं खांदा, वारा नहीं खाने को अनवायबल बोला जाता है ना। तो अनवायबल आपका एग्रीकल्चर होता जा रहा है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। ठीक है जी, इसके अलावा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज नीचे देखेंगे। एनएफएसए हैविली फेवर्स प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस एंड व्हीट, नेगलेक्टिंग कोर्स ग्रेन्स क्रूशियल फॉर न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। इन्हीं प्रॉब्लम्स में आपको सोल्यूशन मिलेगा बाय द वे, इन्हीं को बस पलटना है। इसीलिए एक प्रॉब्लम समझना बहुत ज़रूरी होता है, फॉर दैट मैटर फॉर एनी क्वेश्चन एट हैंड, एनी क्वेश्चन एट हैंड। अगर आप प्रॉब्लम समझ गए तो सोल्यूशन बहुत आसान होता है फिर। पॉलिसी फेवरिंग वाटर इंटेंसिव कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन अरेका नट थ्रेटन फूड सिक्योरिटी एंड बायोडाइवर्सिटी, राइट? और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन भी निकाली है। एक तरफ हम लोग इथेनॉल प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, है ना, और हाँ, गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाली कि शुगर केन जूस इथेनॉल में यूज नहीं होगा, नहीं तो आपकी चीनी की शॉर्टेज हो जाएगी अगले साल। तो उस पर बैन लगा दिया है इफेक्टिव इमीजिएटली, शुगर केन जूस का इथेनॉल नहीं बनेगा, रादर देन मड प्रेस उसका इस्तेमाल, उसको यूज़ करने की बात हो रही है। वो उसका भी एक टॉपिक अलग से डाल दिया मैंने कि व्हाट इज़ मड प्रेस। आइए बच्चे, इसको इन्होंने शुगर केन जूस को बैन कर दिया है ताकि शॉर्टेज ना हो शुगर की। वो जनरेशन कौन सी जनरेशन में आता है शुगर केन जूस? वन में ही आना चाहिए। चेक कर ले यार, अब हमने बोल दिया अगर ये पेपर में आ गया, इन सब ने जनरेशन वन मार दिया। ठीक है जी, तो उन्होंने रिपोर्ट आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिपोर्ट किसने निकाली है वो आप याद रख लेना, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। किसके अंडर काम करती है, क्या है, ये सब हम पहले कर चुके हैं। तो FAO के ऊपर आपका जनरल क्वेश्चन भी आ सकता है, स्टैटिक है ना, ये सारे टॉपिक एक्टिवेट हो गए हैं। अभी जब आप रिवाइज करना शुरू करोगे तो आपको मिल जाएगा पुराने में, है ना, डॉक्यूमेंट 1 to 5 टिल 21st of December। ऐसे ऐड की तरह आ रहा ना ये बीच बीच में बार बार, हाँ। तो FAO आप वहाँ से पढ़ लेना,
रिपोर्ट कौन देता है वो याद रखना है। बेसिक बेसिक क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, पीसीएस के अंदर आ सकता है ये सवाल, एचसीएस के अंदर आ सकता है, एचपीएस के अंदर आई वोंट कमेंट आ सकता है, नहीं आ सकता, कुछ भी पूछ सकते हैं वो, एफएओ के फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं वो, एनीथिंग एनीथिंग कैन हैपन। ठीक है, और वो बोल रहे हैं कि आपके हिडन कॉस्ट है कुछ, है ना, और उन्होंने डिटेल रिपोर्ट दी थी, हमने फोकस किया है इम्पैक्ट्स ऑन इंडिया के ऊपर, बस ज़्यादा वर्ल्ड के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, चाइना अलग बैंड बजा रहा है एनवायरनमेंट की, है ना, और कुछ कंट्रीज चाह रही हैं कि वो पीछे को हो जाएं, थोड़ा पीछे हटें और एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा हार्म ना करें। फिर ऑन दी अदर हैंड चाइना एंड इंडिया आर दी कंट्रीज जो कि जिनके पास हिस्टोरिकली मॉरल ग्राउंड हाई है हमारा, कि जब से एमिशन्स होनी शुरू हुई है, जब से एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, क्लाइमेट चेंज हुआ है, तब हमने इतना कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया था, नाउ दैट वी आर ऑन दी अपस्ट्रीम ऑफ डेवलपमेंट, अभी हमारा ग्राफ चढ़ना शुरू ही हुआ है, वी कैन नॉट स्टॉप इट। COP28 में भी जितने भी हमने डॉक्यूमेंट्स नहीं साइन किए हैं, डिक्लेरेशन नहीं साइन किए हैं, उसका यही कारण था कि वी कैन नॉट अफोर्ड एज ऑफ नाउ, अभी नहीं तुम हमारे पे थोप सकते, बिकॉज अभी हम डेवलप हो रहे हैं, अभी हमारी जनता भूखी है, है ना, हमारी अर्बनाइजेशन हो रही है, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, राइट, सो वी कैन नॉट। स्टिल व्हाट इज द सॉल्यूशन, प्रॉब्लम समझ में आ गई, एग्रीकल्चर है, इंटेंसिव हो रहा है, मोनोकल्चर हो गया, है ना, न्यूट्रिशनल वैल्यू गिर रही है, एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, और एग्रीकल्चर ज़रूरी है, क्या करना चाहिए? हॉर्टिकल्चर, ठीक है, सो डू यू वॉन्ट टू से मतलब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए, ठीक है, एक ऑब्वियस सोल्यूशन तो यही है, फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन लिखते रहो, सोल्यूशंस की बात कर रहे हैं, इसमें मैं स्ट्रक्चर नहीं दूंगा, आप लोग अपने आप स्ट्रक्चर देख लेना, किसको किधर फिट करना है, कैसे करना है, नाउ यू आर कैपेबल इनफ, तुम लोगों ने ट्रस्ट जीत लिया है मेरा अपने आंसर्स दिख के। एक्चुअली अब हम लोग आंसर राइटिंग के सेकंड फेज में एंटर कर चुके हैं कुछ लोग, कि अब हमने आइडिया को और ज़्यादा डिप्लोमेटिकली कैसे प्रेजेंट करना है, समझ रहे हो, कि सामने वाला बंदा वो समझ जाए जो तुम बोलना चाह रहे हो कम शब्दों में, तो अब हम उसकी तरफ शिफ्ट होंगे धीरे धीरे, क्रिएटिव राइटिंग जिसको बोलते हैं। मेरे को तो शुरू से ये लगता था कि मेन्स इज़ नथिंग बट पोइट्री, मेन्स में अगर आपने बात वही है, बस वही पुरानी लाश है, उसको उठा के नए कब्रिस्तान में दफन करना है आपने, कुछ नहीं है, और वो आप यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी न्यू इन्फॉर्मेशन। अगर कभी किसी को अहंकार होना इस बात का कि आप लोग तैयारी कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आप लोग एकत्रित कर रहे हो, यू आर गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन विच इज ऑलरेडी आउट देयर, यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी न्यू इन्फॉर्मेशन, नथिंग, सॉरी टू से दैट बट इट्स ट्रू। तो आपका काम क्या है, आपकी क्रिएटिविटी कहाँ आएगी, जस्ट लाइक एनी अदर आर्टिस्ट, You get inspired from the nature, make a painting, sell it for millions, right? अब उसमें नियम कह सकते ना कि ये तो आपने नेचर से इंस्पायर हुए थे, that is the case with you guys. You are not creating any new information. However, you are presenting that old information in a very creative way and जो कि relevant हो, right? हाँ बच्चे, क्या क्या लिख लिया हमने, दो चीज़ें, फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन समझ में आता सबको, और अगर इसके साथ में आपने लिखना है तो लिख लीजिए ये आप, यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एज पीयूष सेड, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एंड दूसरा लिखा हमने फोर्टिफिकेशन, यूज ऑफ बायो, ये अलग पॉइंट भी लिख सकते हैं, यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ में मतलब दो फैक्टर्स और आते हैं, एक तो फोर्टिफिकेशन आता है, प्लस आप प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर सकते हो, हाँ, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, जो भी वर्ड यूज करना है आप कर सकते हो। किसको, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी और एफएओ, इनको मिला के कोई पॉइंट नहीं बना सकते तुम लोग, मेरे को कुछ कनेक्शन दिखाई दे रहा है दोनों में, FAOs और गवर्नमेंट पॉलिसीज आप कहना चाह रहे हो, तो मतलब बेसिकली आप कोहेरेंस इंश्योर करना चाह रहे हो, और
हाउ अबाउट वी द्वारा बोलो ये भी पॉलिसी में ही आ गया, मतलब आप कहना चाह रहे हो कि गवर्नमेंट पॉलिसी में आ जाए कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को थोड़ा सा पुश मिल जाए, ये कहना चाह रहे हो ना? इसको और ब्रॉड कर सकते हैं हम पॉइंट को, हाउ अबाउट वी यूज द टर्म सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कुछ इस टाइप की चीज जिसमें आपकी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन सब्स्यूम हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा सवाल पे, अभी आप मुद्दा समझो, अभी मैंने सवाल नहीं पूछा कोई भी, मतलब इस मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं पूछा है, मैं बोलो सॉल्यूशन चाहिए हमें तो कैसे प्रोवाइड करना है, तोड़ तो दोगे ही आप, नाउ आई ट्रस्ट यू। हाउ अबाउट वी से दैट इंसेंटिवाइजिंग सपोर्ट मैकेनिज्म्स फॉर अडॉप्टिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कुछ इस टाइप की स्टेटमेंट, सरकार अगर इंसेंटिवाइज करे, ये पॉलिसी यहाँ को रिलेट कर सकते हैं, अगर नहीं पसंद आ रहा तो छोड़ देना कोई नहीं। अब और बता क्या बोला था, मुझे याद नहीं है, इंसेंटिवाइजिंग लिख लो याद है उसको ना, हाँ इंसेंटिवाइजिंग सपोर्ट मैकेनिज्म्स फॉर अडॉप्टिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, इसमें मतलब काफी कुछ सब्स्यूम हो रहा है, इंसेंटिवाइजिंग सपोर्ट मैकेनिज्म्स फॉर अडॉप्टिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, और जब हम बात कर रहे हैं सपोर्ट मैकेनिज्म, इसके अंदर पीयूष का पॉइंट सब्स्यूम होगा, आपके एफएओज आपका सपोर्ट मैकेनिज्म ही है, वैसे वो एफपीओ बोलना चाह रहा है अगर किसी को नहीं याद आ रहा, फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, एफपीओ बोलना चाह रहा है ना, एफएओ में कंफ्यूजन हो जाएगी, ये एफएओ की रिपोर्ट है ना। हाँ वो इसमें आ गया, सपोर्ट मैकेनिज्म में आ गया, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है ना, वो थोड़ा सा और गैर, वो आपकी चॉइस के ऊपर, चॉइस के ऊपर कमेंट कर रहे हो आप लोगों की। अच्छा मार्केटिंग आप बोल रहे हो कि प्रोड्यूसर के एंड पे ही सॉल्यूशन है ये, ठीक है वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। हाउ अबाउट अगर आप लोग डिमांड चेंज कर दो तो मिशन लाइफ के थ्रू, अगर आप लोग डिमांड चेंज कर दो, आज चेंज कर दो डिमांड अपनी कि मेरे को ना फ्रेश ही चाहिए और ऑर्गेनिक चाहिए, यू विल सी एक यहीं पे बाहर ठेला खुल जाएगा जहां पे आपको ब्रोकली और लेटस जैसी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वही है फिलहाल ऑर्गेनिक के नाम पे हमारे पास। बट हाँ हाउ अबाउट व्हेन वी से दैट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, उसके अंदर लोकल प्रोड्यूस और लोकल कंजम्पशन को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। हाँ बस 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 यही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमारा डिफरेंस आ रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ अवेलेबिलिटी इज नेवर एन इशू जब तक डिमांड है, जब तक डिमांड है अवेलेबिलिटी इशू नहीं है। ड्रग्स ले लो, बैन है, आपको लगता है अवेलेबल नहीं है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जब हमने इंसेंटिवाइज करने की बात कर दी है पहले कि वी आर इंसेंटिवाइजिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, वो हमने कर दिया है, नाउ आपके पॉइंट को मैं इधर को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ समहाउ, कि अगर हम डिमांड जनरेट करें इसकी वाया अवेयरनेस, हेल्थ बेनिफिट्स बता के, ये अवेयरनेस बेसिकली एनी मेथड, ई लर्निंग के थ्रू हो गया, आपने कोर्सेज इंट्रोड्यूस करा दिए, आपने बच्चों मिड डे मील्स के थ्रू शुरू कर दिया, छोटे बच्चों को अवेयर करना शुरू कर दिया, वैसे तो वो है भी आजकल के प्राइवेट स्कूल्स में होता है ना कि मम्मी आज गाजर बन के जाना है मेरे को, तो वो लाल लाल ड्रेस में, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, क्या क्यों कर रहे हैं वो सोच के देखो ना। आई वॉज होपिंग कि कोई इधर को आए, हाँ कैसी हिडन कॉस्ट कैसे इंक्रीज होगी उसमें,
हाँ जी, उसमें गवर्नमेंट को सब कुछ देना पड़ेगा, उसके लिए सारा मतलब फार्मर से लेना पड़ेगा, फिर वो प्रॉब्लम हमारी वहाँ शुरू हुई थी कि वी वांटेड टू जनरेट डिमांड. वो बोल रहे थे कि उनको प्रोड्यूस करने के लिए कोई इंसेंटिव चाहिए, मेरे पास खेत पड़ा है, मैं क्यों ना उसमें मतलब सिर्फ कनक लगा के बेच दूं, क्यों मैं ऑफ सीजन के अंदर उसके अंदर यू नो ये धनिया पुदीना लेटस और ये सब और बाकी ऑर्गेनिक चीजें क्यों क्यों बेचूं मैं. हाँ तो लिखो ना फिर आप, अगर देखो मेरी बात सुनो, अगर ये सोल्यूशन लग रहा है, आप बोल रहे हो कि एमएसपी को ब्रॉड कर देते हैं, ये पेरिशेबल चीजें हैं सारी, ज्यादा मतलब जो सीरियल्स होते हैं ना क्रॉप के, उसको आपको रेफ्रिजरेशन नहीं चाहिए स्टोर करने के लिए, बिकॉज उसमें वाटर कंटेंट नहीं होता. किसमें? देखो वीट के अंदर कोई खास प्रोसेसिंग नहीं है, सारी मैनुअल प्रोसेसिंग है. बाकी में बोल रहे हो आप, तो वो लोकल प्रोड्यूस आपको लोकल यूज करना पड़ेगा. आज का जो हमारा आगे का टॉपिक है ना, रुको मैं आपको साथ साथ में, टॉपिक नंबर 7, कीपिंग इट चिल. ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची थी, डॉक्यूमेंट बचे पीछे ही है कहीं पे. कीपिंग इट चिल बोला, हिमाचल से लोग आ गए है ना. तो यहां पे हम वही बात कर रहे हैं, फोकस करो फोकस. यहां पे हम वही बात कर रहे हैं कि हमको ना वर्ल्ड में जितनी भी एनर्जी कॉस्ट है ना, जितनी भी एनर्जी की कॉस्ट है, उसमें से 20% कूलिंग के लिए जा रही है करंटली. ये फैक्ट है. 20% इज फॉर द कूलिंग नीड्स. कूलिंग नीड्स कहाँ कहाँ पे आती है? आपकी रेफ्रिजरेशन, यार फूड, मेडिसिन एक्सेट्रा, घरों में, राइट. और आपके जितने भी सिस्टम है जहाँ पे आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है, सप्लाई चेन्स, ये वो वेयर हाउसेस, सब कुछ, तो हमने वो भी कट करना है. तो आपका सोल्यूशन ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक नई प्रॉब्लम को जन्म दे दे. सोल्यूशन सही है अगर यही प्रॉब्लम है सिर्फ. बच्चे लोकली कनेक्टेड है ऑलरेडी. ई नैम को एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की किया था कि यार अभी आपके यहाँ पे नारियल पानी क्यों बिक रहा है इतना. ई नैम का मकसद ही है कि आप मतलब हाँ कि यहाँ पे नारियल पानी 50 रुपए का मिल जाए. आज से 4 साल पहले कन्याकुमारी सदर्न मोस्ट पॉइंट जहाँ पे आता है, वहां पे नारियल पानी 60 रुपए का था, और उसके 4 साल बाद चंडीगढ़ में 50 रुपए का था. वाई इज दैट? हाँ बिकॉज ऑफ योर ई नैम. लोकल ग्रो करना पड़ेगा, लोकल ही करनी पड़ेगी. यस 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 यस. और ये कब पॉसिबल है? फार्मर तो बिजनेसमैन है ना. हाँ बच्चे, तो वो पकड़ ली. अच्छा आप बोल रहे हो कि स्टार्टिंग में, और तुम खाना तो खा ही रहे हो उससे ज्यादा, ड्रग से ज्यादा खाना खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? न्यू नहीं है बच्चे, ऑर्गेनिक इज नॉट न्यू. अच्छा तो मतलब आप कह रहे हो कि पहले हम फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करें फिर डिमांड का सोचें. आई थिंक अदरवाइज. हाँ जी बच्चे. हाँ बिल्कुल. परफेक्ट पॉइंट. ये है सबसे पहला टेंजिबल तगड़ा सॉल्यूशन. लिख लो इसको. हाँ
मार्केटिंग ओके हाँ अच्छा मार्केटिंग उस सेंस में. तो हाउ अबाउट अगर मैं ये जैसी इन्फॉर्मेशन ये अगर ये अवेयर हुए हैं अगर सारे हो जाएं अवेयर तो फिर आपको प्लास्टिक वेस्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो मैं वही तो कह रहा हूँ कंज्यूमर अवेयर कर दो ना. बात ही वहीं से शुरू हुई है एन अवेयर कंज्यूमर सोल्यूशन है इस चीज़ का. अवेयर कंज्यूमर डिमांड करेगा जाके और कोई नहीं कर सकता उनका काम है. द मोमेंट द डिमांड चेंजेस इज द एग्जैक्ट सेम मोमेंट द कंपनी विल चेंज. वो उनका प्रॉफिट है ना मोटिव. उनको नहीं लेना देना किसी और चीज से. आपको ऑर्गेनिक चाहिए पे मोर गेट ऑर्गेनिक सिंपल. और हाउ एवर ऑर्गेनिक उगाना सस्ता है ओवरऑल. पहले तो मिलेट्स वाला पॉइंट लिख लो ये इंपॉर्टेंट है. ये लिखो मिलेट्स कॉमा कंपेयर टू राइस एंड व्हीट ऑफर कॉमा ऑफर कंपेरेबल yields. यील्ड सेम है उसकी मिलेट्स की और राइस और इनकी yield सेम है. ऑफर कंपेरेबल yields कॉमा एंड हायर न्यूट्रिशन वैल्यू कॉमा एंड थ्राइव इन सेमी एरिड कंडीशंस. मतलब जब आप इस टाइप की क्रॉप उगाते हैं ना इसको हम कहते हैं अगर टेक्निकल भाषा में दैट यू आर प्रिजर्विंग योर नेचुरल कैपिटल. किसी भी बिजनेस के लिए कैपिटल चाहिए ना. और एग्रीकल्चर में कैपिटल क्या होगा. इट इज़ अ नेचुरल कैपिटल राइट. तो ये सब चीज़ें आपकी नेचुरल कैपिटल को प्रिजर्व करती हैं. ग्राउंड वाटर डिप्लीट नहीं होगा. ऑल्टरिंग कंज्यूमर बिहेवियर लिख लें. ऑल्टरिंग कंज्यूमर बिहेवियर / डिमांड टू एनहेंस साथ साथ लिख लेना. टू एनहेंस इकोलॉजिकल हेल्थ एंड कम्युनिटी न्यूट्रिशन. बस इकॉनमी के इस टाइप के आंसर्स ना ये इकॉनमी में आता है बाय द वे. इकॉनमी के आंसर्स ना आपको एक लाला बन के आप बेटर बता पाओगे. समझ रहे हो. तो आंसर्स बेटर तब आएंगे क्योंकि आप फिर सामने वाले को ना अपना फैमिली मेंबर नहीं समझोगे. आपके पास एक चीज़ है यू हैव अ पर्पस एट हैंड राइट. ये अचीव करना है बेस्ट पॉसिबल सबसे एफिशिएंट वे कैसे कर सकते हैं वो आप ढूंढ लोगे. द मोमेंट यू आर इन दैट सिनेरियो फिर आपके सोल्यूशन थोड़े से ऐसे आएंगे कि यार कौन जाएगा उठ के राजू की दुकान पर रोज सब्जी लेने. समझ रहे हो. तो आपके दिमाग में ये सब चीज़ें आएंगी. तो जैसे ही आप उस सिचुएशन से कट के सोचोगे आपको एक्चुअली समझ में आएगा. ठीक है जी. और कुछ बचा सोल्यूशन. एसी बंद कर दो. पंद्रह मिनट ऑफ रहेगा 15 मिनट ऑन रहेगा. ठीक है. इट्स अ डील. हाँ जी और कुछ. हाँ वो तो इंटरनेशनल डेकेड ऑफ मिलेट्स चल रहा है. हाँ.
बहुत सारे हैं, ये हमने कर चुके हैं हम। ये सरकार के फूड सिक्योरिटी के लिए अलग मेजर्स हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए अलग मेजर्स हैं, एग्रो सिस्टम के लिए अलग मेजर्स हैं। तो इसको बहुत क्लियरली दिमाग में सेग्रीगेट करके रखना कि हमने किया था आई थिंक। अब रिविजन करनी शुरू करो आप डॉक्यूमेंट 1-5 21 दिसंबर से पहले पहले, तो आपको ये सारी चीज़ें ना याद आनी शुरू होंगी, राइट। इसके अलावा और कुछ बाकी जितने भी टर्म्स आपने एग्रीकल्चर रिलेटेड पढ़े हैं ना, मल्टी क्रॉपिंग, ड्रिप इरिगेशन, ये वो जो भी पढ़ा हुआ है वो एक लाइन में लिख लेना इसके साथ में, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग, ये सब कुछ। हाँ जी, बच्चे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लिखा है ना हमने, हाँ वो उसमें आएगा। वो डिपेंड करता है ना सवाल को, मतलब किस टाइप का सवाल आ रहा है, पूछा क्या गया है। अगर प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने को बोला हुआ तो उधर को चले जाना, सॉल्यूशन बोला हुआ तो कहीं और को निकल जाना, डिपेंड करता है। बट यू उस स्टेटमेंट के अंदर सब कुछ है और उसको पता होगा आपके एग्जामिनर को। चले आगे। हाँ जी, पंजाबी बोलो। हाँ हाँ बोलो बोलो, कोई नहीं। हाँ परफेक्ट पॉइंट, परफेक्ट पॉइंट, समझ रहे हैं उनका पॉइंट, समझे आप। वो ये कह रहे हैं कि हम तो बोल रहे हैं कि आप अपनी डिमांड ऑल्टर करोगे इन सब चीज़ों की, लेकिन और एक बात हमने ये बोली है कि डिमांड ऑल्टर करो, एक बात हमने ये बोली है कि आप लोकली प्रोड्यूस करो, लोकली कंज्यूम करो। वो जगह पे अलाउ ही नहीं करती कि वो चीज़ प्रोड्यूस हो सके, तो उस जगह पे क्या होगा, प्रॉब्लम, यही बोल रहे हैं ना आप। हाँ, प्रॉब्लम समझ में आई। तो वहाँ वो नहीं खाएंगे वो चीज़। हर इन्वायरमेंट में उसके लोकली ग्रो करने के लिए चीज़ होती है, जिसको इसको हम बोलते हैं जो ट्रेडिशनल नॉलेज की बात नहीं करते हम, ट्रेडिशनल कल्चर। यहाँ पे ऑनलाइन भी पॉइंट आया था, वेरी गुड बच्चे कोमल, वो ये है। तो वहाँ नहीं यूज़ होगा, लोकल प्रोड्यूस करोगे, लोकल खाओगे और घर वापस आ जाओगे। डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपको मोहाली में वो सिड्डू खाने को मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ नहीं होगा। हैंस आपका, अगर आप किसी को वो चीज़ खानी ही है लोकली प्रोड्यूस, तो आपका टूरिज्म बढ़ गया, जाओ, ये वहाँ की फेमस है जी। वही बात होगी ये, दैट अमृतसरी कुलचाज आर कॉल्ड कुलचाज इन अमृतसर, स्पेशलिटी है ना लोकल वहाँ पे। हाँ, तो ये है। और अगर एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है, तो इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करेंगे। जो हमने इकोनॉमी फैक्टर किया है ना बच्चे, ये पेज नंबर 3 पे टॉप पे, इकोनॉमिक वायबिलिटी, मेकिंग एग्रीकल्चर इंक्रीजिंगली अनवायबल, तो यूरोप वाले देने को तैयार है पाउंड्स में पैसा, यूरोज में पैसा, वहां से आएगा, राइट। ठीक है जी, चले आगे। ऑनलाइन ये पॉइंट आया हुआ था, पहले डिस्कस करना था इसको। तो सॉल्यूशन के तौर पर उन्होंने यूज ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज की बात की है, विच इज एन एक्सीलेंट पॉइंट, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आई होप कि आज जो हमने पढ़ा है इसमें से आपके प्रीलिम्स और मेंस में कुछ रेलिवेंस के साथ सवाल आ जाएं। अगर सवाल आ गया इसमें से, यू विल डेफिनेटली बी हैविंग एन एज ओवर अ मेजर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जामिनेशन राइट नाउ। लेट मी टेल यू अबाउट द करंट अफेयर्स मास्टर कोर्स 2024। इस कोर्स के अंदर आपको बेसिकली 3 चीज़ें मिलती हैं जिसके थ्रू आपका जो करंट अफेयर्स है वो पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएगा फॉर योर प्री मेंस एज वेल एज योर इंटरव्यू। नंबर 1, यू गेट वीकली लेक्चर्स जो कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन फॉर्मेट में लाइव आपको मिलेगा। क्या फ़र्क है इसमें और अभी करंट वीडियो के अंदर, दैट इज़ कि इसके अंदर आपके पास में इंटरैक्शन, काउंटर क्वेश्चनिंग करने की सहूलत होगी। नाउ एवरीबडी नोज कि अगर आप काउंटर क्वेश्चनिंग और सवाल जवाब करते हैं तो आपकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है, आपके न्यूरल नेटवर्क्स बढ़ते हैं, दैट इज़ हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर एनीथिंग। नेक्स्ट, यू गेट वीकली PDFs। जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर नहीं होते हैं लेक्चर्स के अंदर
उसको वीकली पीडीएफ के फॉर्मेट के अंदर आपके डैशबोर्ड के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, राइट, ताकि आपका कुछ भी पार्ट जो है वो मिस ना हो, इसके बाहर आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट यू गेट वीकली टेस्ट, जो भी हमने पढ़ा है उसको हम कंसोलिडेट करेंगे वीकली एक टेस्ट देके, राइट। दिस इज द त्रिशूल मॉडल। अगर आप त्रिशूल गाड़ दोगे तो उसके बाद में आपको करंट अफेयर से परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिस इज द कंप्लीट कोर्स। इस कोर्स के बाहर आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपके पास ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको रेगुलरली आपको मिलते रहे, कुछ भी चीज़ आपकी मिस ना हो। अगर आपने सोच लिया है, इफ वी हैव ड्रीम्ड इट वी कैन डू इट। जिद से जीत तक।